नेट इनकम अप्रोच। अब हम लोग आ गए हैं नेट इनकम अप्रोच, बट ये नेट इनकम अप्रोच पढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, जो एजम्पशन दे रखा था उसका रिवाइज करेंगे, प्लस में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी थ्योरी का जो दे रखा था उसे भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो आ जाइए रिविजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को बांटे थे दो कैटेगरी में, जो एक था रिलेवेंस, एक क्या था इररिलेवेंस था। रिलेवेंस में क्या था, तो नेट इनकम अप्रोच था, फिर नेट इनकम के बाद ट्रेडिशनल थ्योरी था, उसके बाद क्या था एमएम अप्रोच था विद टैक्स था, जो रिलेवेंस थ्योरी में है। और इररिलेवेंस में क्या था, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी एंड मिलर जो एमएम अप्रोच है वहां पे विदाउट टैक्स वाला था, जो 1958 वाला था। तो ये तो हम लोग का हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अभी हम लोग को कौन सा स्टार्ट करना, तो अभी हम लोग को स्टार्ट करना है नेट इनकम, जो कौन सा था ये रहा हम लोग के पास नेट इनकम। और नेट इनकम कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये हम लोग आता है रिलेवेंस वाले कैटेगरी में। तो ये हम लोग को अभी स्टार्ट करना है, इससे पहले एक बार एजम्पशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो चलिए लिखते हैं एजम्पशन। एजम्पशन जो था ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग को एजम्पशन है ना, ये अभी वो एजम्पशन है। तो इसमें एजम्पशन सबसे पहला क्या दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग को दे रखा था ओनली इक्विटी एंड डेब्ट। तो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होगा और डेब्ट होगा फंड के रूप में। उसके बाद दूसरा क्या था, तो दूसरे में हम लोग का दे रखा था टोटल एसेट आर गिवेन, तो फर्म का टोटल एसेट हम लोग को गिवेन रहेगा। तो ये हो गया दूसरा हम लोग का एजम्पशन हो गया, जो टोटल एसेट हम लोग को गिवेन होगा। अब थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, टैक्स नॉट टू बी कंसिडर। तो यहाँ पे टैक्स नॉट टू बी कंसिडर, तो टैक्स को हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट में क्या था, तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग का था डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू 100। तो ये हम लोग का हो गया डिविडेंड पे आउट इज इक्वल टू 100, पे आउट इज इक्वल टू ये था हम लोग का 100 था। एंड उसके बाद क्या दे रखा हुआ था कि द फर्म फाइनेंसिंग टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कॉन्स्टेंट, टोटल फाइनेंसिंग रिमेन ये होगा कॉन्स्टेंट, ये था। उसके बाद सिक्स नंबर का एजम्पशन हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग के पास था बिजनेस रिस्क कॉन्स्टेंट। तो यहां पे लिख दीजिए बिजनेस रिस्क, ये हम लोग का था कॉन्स्टेंट। और सेवेंथ पॉइंट में था हम लोग के पास कि फर्म का लाइफ रहने वाला है परपेचुअल, तो फर्म लाइफ इज इक्वल टू अनलिमिटेड। फर्म लाइफ यहां क्या है, परपेचुअल। तो यहां पे फर्म का लाइफ परपेचुअल रहने वाला है। तो ये तो हम लोग का एजम्पशन का पार्ट हो गया यहां पे तक, एजम्पशन अभी हम लोग देखे हैं। अब इस एजम्पशन के बाद हम लोग को अभी स्टार्ट कौन सा करना है, तो स्टार्ट करना है नेट इनकम अप्रोच। बट उससे पहले एक बार हम लोग जो हम लोग के पास क्या था फॉर्मूला था वो हम लोग रिवाइज करते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा दे रखा हुआ था हम लोग के पास, तो ये था वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसे या हम लोग सीख सकते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों एक ही हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज WACC जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे बोला जाता है KO, ये हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें निकालने के लिए अगर डेप्ट, एक तो सिर्फ डेप्ट ही, प्लस में क्या है एजम्पशन में इक्विटी है, तो यहाँ पे डेप्ट अगर है तो इसमें डेप्ट डिवाइड बाय डेप्ट प्लस इक्विटी जो शेयर था डेप्ट प्लस शेयर, और प्लस में करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई करेंगे शेयर से जो इक्विटी शेयर है, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा डेप्ट प्लस इक्विटी। इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा, या इसे बोल सकते हो आप लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हम लोग का इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का दो फॉर्मूला हो गया था, प्लस में जो एजम्पशन था वो हो गया था। अब हम लोग आ जाते हैं कौन सा मेथड में, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेट इनकम अप्रोच में, जो हम लोग के पास ये दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ है रिलेवेंट थ्योरी में आता है कौन सा, तो नेट इनकम अप्रोच। और आप लोग बुक में ही मार्किंग करते जाइए, जैसे मार्किंग नहीं लिखते जाइएगा कम से कम ये पॉइंट, और जो मैं इतना मार्किंग कर रहा वो उतना नहीं कीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा, बिकॉज नहीं तो बुक बहुत गंदा हो जाएगा। तो देखिए नेट इनकम अप्रोच में आप लोग को लिखना क्या, तो रिलेवेंट ये थ्योरी है। उसके बाद यहाँ पे KE और प्लस में KD क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखिए KE और KD एंड KD ये क्या है, तो कांस्टेंट। तो KE एंड KD क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे एक ही लाइन में ड्रॉ हुआ है ना, एक ही लाइन में क्या है
ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है, हॉरिजेंटल में पूरा है के डी और प्लस में के ई, और यहाँ पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और के डब्ल्यू क्या हो रहा था, यहाँ पे के डब्ल्यू ये नीचे आते जा रहा है, तो यहाँ पे के डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए के ई कॉन्स्टेंट है, प्लस में के डी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो के ई तो इसका कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा के ई का। ऑब्वियस सबसे बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर वाला क्या लेता है, ज्यादा रिस्क लेता है, तो इसमें ज्यादा पेमेंट भी करना होगा, तो इसका कॉस्ट भी कंपनी के लिए ज्यादा होगा। और कॉस्ट ऑफ डेट में यहाँ पे कंपनी रिस्क लेती है, तो इसका कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो के ई यहाँ पे ज्यादा है और प्लस में के डी उससे कम है, और ये कांस्टेंट है, तो जिस कांस्टेंट के वजह से यहाँ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डिक्रीज होते जा रहा है। तो नीचे की तरफ डिक्रीज क्यों हो जा रहा है, बिकॉज के ई और के डी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जिसके वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। और यहाँ पे के डी पे टच करेगा तो आंसर इज कभी भी के डी पे टच नहीं करेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो इक्विटी शेयर का होगा ही, तो इसलिए के डी पे टच नहीं करेगा। तो नेट इनकम अप्रोच में आप लोग क्या पढ़े, तो सबसे पहले ये रिलेवेंट थ्योरी है, उसके बाद के डी और के ई रिमेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और के डब्ल्यू जो है धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आते जाता रहा है, यहाँ पे डिक्लाइन होते जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग के पास। अब देखिए इसमें क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला दे रखा हुआ है, नेट इनकम अप्रोच में लिख देता हूँ यहाँ पे, नेट इनकम अप्रोच ये हम लोग के पास क्या है, नेट इनकम अप्रोच। अब इस नेट इनकम अप्रोच में क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग के पास हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट में, ये है रिलेवेंट थ्योरी, और रिलेवेंट थ्योरी के बाद हम लोग के क्या हो जाएगा यहाँ पे, के डी एंड के ई रिमेन कांस्टेंट। देखिए एजेंशन जो हम लोग का पहले दे रखा हुआ था कितना पॉइंट, 7 पॉइंट दे रखा हुआ था, तो ये एजेंशन सारे में ही काम करेगा, बट जो एडिशनल एडिशनल एजेंशन होगा वो एडिशनल एजेंशन ये हो गया। ये सबसे पहले रिलेवेंट थ्योरी है, और के डी और के क्या हो रहा है, कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट है, और उसके बाद के डी डिक्लाइन करते जा रहा है, और जिसका यहाँ पे हम लोग का डायग्राम दे रखा हुआ है। इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, वैल्यू ऑफ फॉर्म, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म को वी एफ लिखते हैं, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू ऑफ डेट और प्लस में और वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए डेट प्लस शेयर, शेयर मतलब इक्विटी, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ डी का मतलब हो गया यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ, यही है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे एस का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या आ गया, तो वैल्यू ऑफ डेट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फॉर्म के लिए फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू ऑफ हम लोग इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला दे रखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे नेट इनकम, नेट इनकम मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, बिकॉज क्या, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए इनकम एस्टिमेट में अगर हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता था, तो सेल्स होता था, सेल्स जो भी होता था सेल्स में से हम लोग माइनस क्या करते थे, तो यहाँ पे माइनस करते थे वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हम लोग का क्या जाता था, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता था। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आ जाता था, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आ गया, इसमें से हम लोग माइनस करते थे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आ जाता था, अर्निंग आफ्टर टैक्स, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सब्स में हम लोग को एजम्पशन क्या लेना है, तो एजम्पशन सबसे पहले हम लोग को जो ऊपर में लेना था कि यहाँ पे टैक्स होगा कि नहीं, तो आंसर इज ऑब्वियस बात है, यहाँ पे टैक्स का नहीं है, टैक्स को कंसीडर नहीं करना है हम लोग को, तो यहाँ टैक्स माइनस होगा, तो आंसर इज अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे टैक्स कितना हो गया, तो टैक्स हो गया नील, तो ये हम लोग का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, जो अर्निंग बिफोर टैक्स था, तो ये हम लोग का अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहाँ एजम्पशन ये भी था कि यहाँ पे फंड के रूप में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर है और प्लस में क्या है, डेब्ट है, तो इक्विटी शेयर है प्लस में डेब्ट है, तो इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, तो आंसर इज नो, तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं आता तो यहाँ पे माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जो आ जाएगा नील, तो यहाँ पे आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, तो इसी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ तो हम लोग माइनस नहीं किए ना, तो जो अर्निंग बिफोर टैक्स था वही क्या हो गया हम लोग का, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे क्या बोला जाता है, तो इसे ही बोला जाता है हम लोग का नेट इनकम।
नेट इनकम समझ में आ गया, किसे बोला जाता है, नेट इनकम हो गया जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो यहां से अगर देखा जाए तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो जो भी आएगा उसे क्या बोला जाएगा, नेट इनकम। और जो नेट इनकम होगा वही क्या हो जाएगा, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे हम लोग यहां की वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो यहां पे नेट इनकम जो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी हम लोग बोल सकते हैं या अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना होगा आप लोग बोल सकते हो। और इसमें डिवाइड हम लोग को करना है, इसमें डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी में समझना है तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, जो वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम लोग को नेट इनकम या अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों तो एक ही बात हुआ, उसमें डिवाइड करना होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी वाले को कहाँ से पैसा मिलेगा, तो जो इनकम होगा जो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा वही से पैसा मिलने वाला है, तो उसमें डिवाइड करेंगे हम लोग इसके कॉस्ट से, तो हम लोग का क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। और देखिए एक वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हम लोग का फॉर्मला क्या होता था, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए होता था फॉर्मला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC, जो भी आप लोग को लिखना है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे क्या बोला जाता है, तो जिसे हम लोग बोल सकते हैं KO बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग को KO निकालना होगा, KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ फर्म को। तो जो वैल्यू ऑफ फर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे वही क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये आ जाएगा KO। अगर इसे और भी अच्छे से समझना चाहोगे तो मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ। तो देखिए नॉर्मली जो हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला था EBIT बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस टाइम में KO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBIT बाय ये जो वैल्यू ऑफ फर्म है ये मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हम लोग का ये हो गया। अब ध्यान दीजिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट भी माइनस होता है और यहाँ पे डिविडेंड अगर मिलेगा तो डिविडेंड भी माइनस होगा। तो अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से क्या माइनस होता है, तो इंटरेस्ट भी माइनस होता है, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ दूसरे पेन से। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी माइनस हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इंटरेस्ट भी माइनस होता है और क्या होता है माइनस, डिविडेंड भी माइनस होता है। ये समझने में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट भी माइनस होगा डिविडेंड भी माइनस होगा। तो इंटरेस्ट जो माइनस होता है तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ डेट आता है और डिविडेंड के लिए क्या आता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो इसमें है नहीं। तो इस केस में हम लोग EBIT में हम लोग डिवाइड करते हैं क्या चीज से, तो यहाँ पे KO, KO मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो KD और KE को कंबाइन करने के बाद, तो ये हम लोग का वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ तो ये भी आप लोग देख लिए। और इसी तरह से इक्विटी वाले को कहाँ से पैसा मिलता था, इक्विटी वाले को यहाँ से पैसा मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स से, बिकॉज इसके बाद तो यहाँ पर टैक्स भी नहीं था और प्लस में डिविडेंड भी नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो बनता है EBIT के टाइम में इसे ही बोला जाता है NI, नेट इनकम बोला जाता है या अर्निंग आफ्टर टैक्स जो भी बोलना है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का नेट इनकम डिवाइड बाय इसके कॉस्ट से। तो इसका कॉस्ट क्या आता है वैल्यू ऑफ इक्विटी का, के ही आता है, तो के से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बस रिवाइज कर लीजिए लास्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का नेट इनकम अप्रोच में पढ़े कि वैल्यू ऑफ डेट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों कांस्टेंट रहेगा, जिसके वजह से वैल्यू ऑफ जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। उसके बाद ये हो गया हम लोग का फर्स्ट, उसके बाद ये रिलेवेंस थ्योरी है, ये हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जिस टाइम में ये निकालना फॉर्मूला था हम लोग का, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला था, जो वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे डिविडेंड बोल रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट और यहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो वैल्यू ऑफ शेयर हो गया वो हो गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नेट इनकम इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग इक्विटी के कैपिटल से, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। अगर यही वैल्यू ऑफ डेट निकालने वाले थे तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, तो EBIT डिवाइड बाय क्या करते थे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो KO होता था, उस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म निकालते थे। अब यही इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो KO का हम लोग का फॉर्मला क्या हो जाएगा, EBIT बाय वैल्यू ऑफ फर्म, जो हम लोग को यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मला क्या दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है इक्विटी प्लस डेट, और यहाँ पे अगर इक्विटी निकाला जाए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे नेट इनकम है इसके कॉस्ट से डिवाइड किया जा रहा है। एंड उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला जाए, तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KO, ये EBIT इसमें डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म से, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। और ये किस फॉर्मूला से डिवाइड हुआ डिराइव हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्म के लिए फॉर्मूला होता था EBIT डिवाइड बाय हम लोग करते थे KO, तो इसी फॉर्मूला से यहाँ पे ये डिराइव हुआ है, जो हम लोग का एकदम फर्स्ट में फॉर्मूला पढ़े थे
जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी स्टार्ट करने टाइम है, तो वही फॉर्मूला हम लोग का हो गया। और नेट इनकम अप्रोच में बस इतना ही था, बस इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1।